क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रोज रेप मर्डर। अरे पिछले महीने दामिनी का केस ही देख लो, क्या हालत हुई थी बेचारी की। तो क्या डर के मारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई है। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए ना, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो, उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। रोहित इसे रोकने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। मानता हूं, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा हूं, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना क्या है रिपोर्ट में। वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। क्या अबॉर्शन? रोहित, रोहित, आर यू सीरियस? अबॉर्शन? नहीं नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, नहीं कर सकती। करना ही होगा, तुम समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित, रोहित प्लीज, रोहित रोहित मेरी बात सुन लो। रोहित प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊ मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी।
जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। नहीं, नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब यह दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी, क्योंकि यहां रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहां है। बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर मां, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहे संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किस के लिए दुनिया में आएगी तू, कुछ तो बोलो।
सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया। मैं बेटी हूं, सम्मान दूंगी, बहन हूं, लाड़ दूंगी, पत्नी हूं, साथ दूंगी हर पल क्षण, मां हूं, वंश वृक्ष संवारूंगी, मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूं, सृष्टि की रचना में भागीदार हूं, साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है, बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं, न रोको छूने दो आसमां हमें भी, इरादे भी हैं, हिम्मत भी है, पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम, अब ना कहेंगे पंख होते तो उड़ जाती मैं। माफ कर दो, माफ कर दो, मैं ना समझता, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ, प्लीज एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, कभी 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 नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी। हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूं और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूं
अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं।